Hello students, this is your science period. So open your science book and the first chapter, that's name is parts of a flowering plant. Okay, we are going to start the first para, first line. We see different kinds of plants around us. Some are very small, some are very big, and some need support to climb as their stem or weak. Okay, हम अपने चारों ओर अराउंड अस क्या देखते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स देखते हैं. और ये कैसे प्लांट्स होते हैं, सम आर वेरी स्मॉल, कुछ बहुत छोटे होते हैं और कुछ बहुत बड़े होते हैं, वेरी बिग. सब नीड सपोर्ट, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको सपोर्ट की, बढ़ने के लिए, क्लाइंब ऊपर उगने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, सपोर्ट की नीड होती है, क्योंकि उनकी जो स्टेम्स होते हैं बहुत वीक होते हैं. Different plants grow in different climate and different season. ये जो different type के plants होते हैं वो different climates में grow करते हैं और उनका season भी different होता है. okay, हर जगह का climate अलग अलग होता है और season भी क्या होंगे, different होंगे. ठीक है ना, जैसे जो चीज़ आपके यहाँ होगी वो महाराष्ट्र में नहीं होगी, केरला में नहीं होगी, क्योंकि वहाँ के climate अलग अलग है, उसकी जो है मिट्टी अलग अलग है. ठीक है ना, सॉयल उसकी अलग है, तो क्लाइमेट अलग चीज़ हो गई. और सीज़न, जैसे इस समय क्या है, एक सीज़न में जब रेनी सीज़न होगा उसके बाद हमारा क्या लगेगा, पैडी लगेगा, इसके पहले हम लोगों ने कट कर लिया व्हीट को. ठीक है ना, तो सीज़न के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, प्लांट को ग्रो करते हैं. प्लांट्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. वी ऑल डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर आवर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ओके, हम जानते हैं जो प्लांट्स होते हैं क्या होते हैं, वो सेल्फ फूड को प्रिपेयर करते हैं. ठीक है ना, सेल्फ प्रिपेयर करते हैं. और हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं. द एयर वी ब्रीथ इन हैज़ 21% ऑफ ऑक्सीजन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. जो आपके एटमोसफियर में 21% ऑक्सीजन अवेलेबल है उसको कौन देता है, उसको जो है फूड प्लांट्स देते हैं. ठीक है ना, और कौन सी प्रोसेस के बाद निकालते हैं वो, फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द प्लांट. द ओनली नेचुरल सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज प्लांट. सो लेट अस लर्न अबाउट द प्लांट इन डिटेल. अब प्लांट्स के बारे में हम डिटेल से रीड करेंगे. देखिए, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रॉन्गनेस ऑफ स्टेम यहाँ पर डिवाइड किया गया है प्लांट्स को. फर्स्ट हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्लाइंबर्स, और एक पार्ट नहीं दिया है आपके बुक में, वो है क्रीपर्स. ओके, तो हर्ब्स क्या होते हैं, ये वेरी शॉर्ट प्लांट होते हैं और इनकी स्टेम कैसी होती, सॉफ्ट स्टेम होती है. एग्जांपल में टोमेटो, ब्रिंजल, बेसिल, तुलसी, कोरिएंडर, मिंट एक्सेट्रा. ओके, ये जो प्लांट्स हैं ये कौन से हैं, प्लांट्स हैं हर्ब्स प्लांट हैं, बहुत छोटे प्लांट होते हैं. इनकी स्टेम क्या होती है, सॉफ्ट होती है, और ये प्लांट्स शॉर्ट होते हैं. अभी हम आपको उसकी पिक्चर शो करेंगे. श्रब्स मीडियम साइज के प्लांट होते हैं और ये बुशी होते हैं, झाड़ीदार होते हैं, विद वुडी स्टेम. और उनका जो स्टेम होता है वीक होता है, लेकिन कैसा होता है, वुडी होता है. ठीक है ना, नोन एज अ श्रब्स, जैसे रोज प्लांट, सनफ्लावर, चाइना रोज. ओके, तो ये कैसे हैं, दीज आर बुशी एंड द वुडी स्टेम, झाड़ी नुमा होंगे. और कैसे होंगे ये, इनकी स्टेम वुडी होगी, लकड़ियाँ, थोड़ी सी लकड़ियाँ मिलेंगी. ट्रीज, ट्रीज प्लांट्स विच हैज़ वेरी बिग एंड विदाउट ब्रांचेज बट विद वुडी ट्रंक्स आर नोन एज अ ट्रीज. क्या होते हैं, ये बहुत बिग होते हैं और ये हो सकता हो कि इनके पास ब्रांच हो या ना हो, बट इनकी जो ट्रंक्स होती हैं, इनकी जो डाले होती हैं, वुडी होती हैं ये, और इनको हम क्या कहते हैं, ट्रीज कहते हैं. ट्रीज आर वेरी बिग प्लांट्स. अब आ गया क्लाइंबर्स. सम प्लांट्स हैव वेरी वीक स्टेम, दे नीड सपोर्ट टू क्लाइंब एंड स्प्रेड देयर लीव्स टू रिसीव सनलाइट फॉर देयर ग्रोथ. ओके, अब यहाँ पर क्या है, क्लाइंबर्स कौन होते हैं, जिनको सपोर्ट चाहिए होता है, जस्ट लाइक द मनी प्लांट, ग्रेप वाइन. ठीक है ना, इनको सपोर्ट चाहिए होता है तभी ये क्या कर पाते हैं, ग्रो कर पाते हैं. आइए हम इसको पिक्चर में देखते हैं. इन दिस पिक्चर यू मे सी हियर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, ए ट्रीज, हर्ब्स, श्रब्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स. ओके, तो यहाँ पर देख रहे हैं, ट्रीज आर बिग प्लांट्स, हर्ब्स आर वेरी स्मॉल, श्रब्स झाड़ी नुमा प्लांट्स होते हैं, क्लाइंबर्स
इनको क्या होती है ग्रो करने के लिए सपोर्ट की नीड होती है, ठीक है ना। और क्लाइंबर्स क्या होते हैं, क्रीपर्स क्या होते हैं, जो ग्राउंड पे स्प्रेड करते हैं, ओके, बिना सपोर्ट के।